बच्चों, हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं और उन सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। परिमेय संख्या होती हैं जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ये टॉपिक हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में मदद करता है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में मदद करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए हमें विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति मतलब हमें कॉन्ट्राडिक्शन की मदद लेंगे, या हमें √3 को भी सिद्ध करना है तो इसके लिए भी हम कॉन्ट्राडिक्शन की मदद लेंगे। क्या है ये? इसके अकॉर्डिंग हम पहले ये बोलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और हर कुछ समय बाद हल करने के बाद हम इस चीज को गलत सिद्ध करेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो फिर वो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या होगी। हम डायरेक्टली तो प्रूफ नहीं कर सकते कि ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, उसके लिए पहले हम ये लेके चलेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या है, फिर अपनी चीज को गलत सिद्ध कर देंगे और गलत सिद्ध करते ही ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम ये सीखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या फिर विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। इस टॉपिक के थ्रू हम इन नंबर्स को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं √2 के लिए। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब किस तरीके से हम √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे वो आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम इस तरह से चलेंगे, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर आपको तो पता है कि परिमेय संख्या को पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ये पी बट्टे क्यू के बराबर होगा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, ये हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ रखा है। अच्छा, इसके बाद पी और क्यू के बारे में एक चीज और हमें जाने जाने रखनी है यहां पर कि पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान रखना, सहभाज्य संख्याएं, और साथ ही साथ ये भी पी और क्यू है, और साथ ही साथ ये भी लिखें कि पी और क्यू पूर्णांक है, ये भी यहां पर लिखना जरूरी है, पी और क्यू पूर्णांक है। हमने ये दोनों चीजें यहां पर इंक्लूड कर दी। अच्छा, यहां पर सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है? सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है। मतलब अगर मैं 14 और 15 लेता हूं तो इन दोनों संख्याओं को सिर्फ एक ही संख्या भाग कर सकती है, वो है एक। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनको सिर्फ वन ही भाग कर सकता है, ऐसी संख्याओं के जोड़े को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्याएं। वन के अलावा कोई और संख्या उनको भाग नहीं कर सकती। लेकिन एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 2 और 4 है, ये नहीं है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनको एक के अलावा, वन के अलावा 2 भी दोनों को भाग कर सकता है, इसलिए ये सहभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये तो मैंने आपको बताना था कि सहभाज्य संख्याएं होती क्या है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अच्छा, जब √2 के स्क्वायर को अगर सॉल्व करना है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये हमें पता है पहले से। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अगर इसके नीचे मैं 1 रख लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्यू स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। हम यहां तक पहुंच गए। अच्छा, इसके बाद का स्टेप अगर समझना है तो एक चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि
कि अगर मैं 10 को 2 से भाग करता हूं तो 2 पंजे होता है 10 और शेषफल आपका 0, तो इसको मैं लिख कैसे सकता हूं? आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा था, उसमें हम लिखते थे जैसे कि जिसको भाग किया गया है 10 बराबर 2 गुणा 5 और ये हमारा इस तरीके से लिखते थे क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वैसे ही लिखते हैं ना, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं। तो 10 बराबर 2 गुणा 5 इसका मतलब इस 10 को कौन भाग कर रहा है, 2। यहां पर भी ऐसे लिखा है, ये है 2 गुणा क्यू स्क्वायर है, इस पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है, 2। तो आप यहां पर लिखें कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फर्स्ट स्टेप मान लेता हूं। ये चीज ध्यान रखें, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर का मतलब 2 पी स्क्वायर को भाग कर सकता है। अच्छा एक चीज देखिए, जैसे हमारे पास ये 5 स्क्वायर है, क्या 5 स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25, 25 को 5 आराम से भाग कर सकता है। तो अगर 5 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है तो स्क्वायर हटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसको भी तो कर सकता है। तो इसी तरीके से अगर 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी, और इसको हमने मान लिया यहां पर सेकेंड, 2 पी को डिवाइड कर सकता है। तो फिर से हम आते हैं, अगर 2 पी को डिवाइड कर सकता है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि पी को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब पी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। ऐसा क्यों लिखा? जैसे यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लो मैं कहता हूं 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, तो हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, शेषफल 0। अगर डिवाइड कर सकता है लिखा है तो प्लस 0 होता है, यहां 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमने लिखा 2 अगर p को डिवाइड कर सकता है तो p इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई आर, मतलब 2r, सिंपल आप बोल सकते हैं यहां पर। अब हमारे पास ये जो p की वैल्यू है, p का जो मान है 2r के बराबर, इसको हम समीकरण 1 पे रखते हैं। तो p का मान समीकरण 1 पर रखने पर, अब हम समीकरण 1 पे रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है जरा वो देखें। यहां से मैं एक लाइन बना लेता हूं, तो यहां पर रखना मुझे 2r, तो अगर मैं 2r यहां पर रखता हूं तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ये है 2q स्क्वायर, इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, इस तरीके से बनता है आपका ये। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 r स्क्वायर लिखा इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक हो गया यहां तक, क्योंकि 2 और 4 है, ये एक टेबल से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास यहां पर आता है 2r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, इसको मान लिया हमने समीकरण 3। ठीक है, यहां पर देखो ये चीज ऐसी जैसी बन गई है, तो इसके बाद हमने क्या लिखा था, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि अगर 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स क्यू, इसको हमने फोर्थ मान लिया, बस हमें इतना ही करना है। अब हमें चीज समझनी है कि हम किस तरीके से, हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, जरा एक बार फिर समझें, हमें सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, जो आपको पहले से पता, लेकिन सिद्ध करना, और सिद्ध करने का जो तरीका है वो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, मतलब हम स्टार्टिंग में मानेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है और अपनी इसी बात को हम गलत सिद्ध कर देंगे। कैसे करेंगे अब जरा देखें, हमारे पास अब आप ये देखें जो हमारे पास समीकरण सेकंड है और समीकरण फोर्थ है, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। समीकरण सेकंड में बताया जा रहा है कि जो पी है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2। समीकरण फोर्थ में क्या है कि क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, मतलब P और Q दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। अब समझते हैं हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब P और Q को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, ये स्टार्टिंग में हमने मान लिया है, पर
जब हमने ये प्रूफ किया तो प्रूफ में हमारे पास ये सिद्ध हो चुका है कि P और Q को 1 के अलावा 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है आपने जो स्टार्टिंग में कल्पना की थी उस कल्पना में त्रुटि आ गई है। और वो त्रुटि क्या है कि P और Q आपने सहभाज्य माना था लेकिन प्रूफ क्या कर दिया उसको आपने, वो आपके पास सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड और फोर्थ विरोधाभास को दर्शाता है तथा हमारी कल्पना में त्रुटि दिखाता है। अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरीके से हम रूट थ्री को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे।